जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1। सो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट 35-143-1। इसने ये कहा है कि जो लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होकर जाएगी और जो दूसरी लाइन इस पॉइंट से इससे पास होकर जाएगी, वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए, लाइन हमने मान लिया कि पॉइंट ओ जो है के कोऑर्डिनेट है 0-0 और ए के कोऑर्डिनेट है आपके 211। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओ ए क्या होगा, 2-0, 1-0, 1-0, दैट मीन 211। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ये हमने सी मान ली, सी डी, ये पॉइंट हमने ओ मान लिया, ये ए, ये सी और ये हमने डी मान लिया। तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 4-3, 3-5, -1 और -+1 हो जाएगा, -1 और -, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 1 आ गया, ये -2 आ गया, ये 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया कि ये ए वन है, ये बी वन है और ये सी वन, ए टू बी टू सी टू। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, इट मीन्स ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। रखिए वैल्यू कितने आ गई, 2 × 1 + 1 × -2 + 1 × 0, यस 2-2 = 0, दैट मीन्स ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी डी। That is your answer. Please make it up. Now, solution number 2. If L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular lines, so that the direction cosine of the line perpendicular to both of these are this. लेट हमने मान लिया यहां पर कि एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर, जिसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1, M1 और N1 एंड L2, M2, N2। ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है जो इसके साथ और इसके साथ परपेंडिकुलर की कंडीशन बनाती है। तो नाउ क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 M2 N2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें L M N की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से L अपॉन क्या हो जाएगा, M1 N2 -M2 N1 इज इक्वल टू M अपॉन क्या हो जाएगा, L2 N1 -L1 N2 इज इक्वल टू N अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर N अपॉन हो जाएगा दिस L1 M2
माइनस एल टू एम वन। हम जानते हैं कि यदि तीन नंबर आपके, या दो ही ले लो, ये नंबर यदि आपके प्रोपोर्शनल में है ई अपॉन एफ, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर भी प्रोपोर्शनल में होगा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल एम टू माइनस एल टू एम वन का स्क्वायर एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का स्क्वायर और प्लस एन वन एल टू माइनस स्क्वायर माइनस एन टू एल वन का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये वैल्यू कितनी होगी वन अपॉन साइन थीटा, और उसने क्या कहा है परपेंडिकुलर, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन नाइनटी। साइन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है वन, क्योंकि उसमें बोला कि ये परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा वन बाई वन। आपके पास केस वन था फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ से, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसको इसको लेंगे हम, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी एम वन एम टू एम टू एन वन। सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ केस से क्या बन जाएगी एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू एल टू एन वन एल वन एन टू। एंड थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन से क्या बनेगी एम की वैल्यू, इसको इसको ले लेंगे हम, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगी एल वन एम टू एल टू एम वन। दैट इज योर आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ लिंक में देना। नाउ सॉल्यूशन नंबर थ्री, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हूज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी। इसका एंगल हमें बताना, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या परपेंडिकुलर है। यस, ये आपका ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, तो इसे हम रख देंगे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो शो कर देंगे, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। सो प्लीज डी आई पी डू इट प्रैक्टिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सोल्यूशन नंबर फोर, डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे कोस जीरो कोस 90 एंड कोस 90। कोस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन जीरो जीरो, और तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक्स अपॉन वन
वाई अपॉन जीरो जेड अपॉन जीरो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू वाई। ये वो इक्वेशन हो जाएगी जो ओरिजिन से पास कर रही है और एक्स अक्ष के पैरेलल है। नाउ सॉल्यूशन नंबर फाइव, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये कोऑर्डिनेट ए के होंगे, ये बी के, ये सी और ये डी, हमें क्या बताना है, एंगल बताना। तो क्या करेंगे, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे, सी डी के डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे और उसे हम कोस थीटा में पुट कर देंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और अंडर रूट ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, इसमें हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियो और सी डी के, जो ए बी के डायरेक्शन रेशियो आएंगे उनको हम ए वन बी वन सी वन और जो सी डी के डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो होंगे ए टू बी टू सी टू, और इसी फॉर्मूले में पुट करके हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सो प्लीज डी आई पी डू इट्स प्रैक्टिस, प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर सिक्स, इफ द लाइन एक्स माइनस वन अपॉन माइनस थ्री वाई माइनस टू अपॉन टू के इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड एक्स माइनस वन अपॉन थ्री के इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन वन और जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो पहली इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन वन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन टू, बोथ आर एक्सटेंडेड फॉर्म। यस, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री, एक्स माइनस वन वाई माइनस वन जेड माइनस सिक्स, बोथ आर एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट प्लस वन होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, वन से ए वन की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी डायरेक्शन रेशियो, बी वन टू की और सी वन इज इक्वल टू टू, और फ्रॉम इक्वेशन टू ए टू की वैल्यू थ्री के और बी टू की वैल्यू वन और सी टू की वैल्यू माइनस फाइव। लाइन वन एंड टू बोथ आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री इंटू थ्री के टू के इंटू वन और टू इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, माइनस नाइन के प्लस टू के माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, माइनस के सेवन के इज इक्वल टू टेन, दैट मीन्स के इज इक्वल टू टेन अपॉन माइनस सेवन, दैट इज योर आंसर। या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस टेन अपॉन सेवन, प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर सेवन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through 1, 2, 3 and perpendicular to the plane r dot i plus 2j minus 5k plus 9 is equal to 0, plus 9 is equal to 0। उसने ये कहा कि ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये लाइन की इक्वेशन है, तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, ये n हो गया, नॉर्मल n हो गया। तो ये जो लाइन है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इट मींस पासिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, लाइन का पासिंग पॉइंट है 1, 2, 3 सच दैट a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। ये जो लाइन है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जो इसका नॉर्मल है n, और n वेक्टर क्या है, ये है n वेक्टर i प्लस 2j माइनस 5k। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, a की वैल्यू क्या हमारी ये होगी i
प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा आई प्लस टू जे माइनस फाइव के, दैट इज योर आंसर. प्लीज मेक इट. सॉल्यूशन नंबर एट. Find the equation of plane passing through point A, B, C and parallel to the plane I dot R dot I plus J plus K is equal to 2. हमें उस plane की equation बतानी है जो इसके तो parallel हो और इसके perpendicular. ये plane है, दूसरा plane ये है. मान लिया ये दोनों parallel हैं, तो इस plane का जो normal होगा N और इस plane का जो normal होगा N, both are parallel. So required equation of plane of a plane which is parallel to R dot I plus J plus K is equal to 2 is R dot I plus J plus K is equal to D. ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. इट पासिस थ्रू ए बी सी से पास कर रहा है सच दैट. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन पे लाई करेगा क्योंकि ये प्लेन इससे पास कर रहा. तो सच दैट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इन इक्वेशन वन. इसे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे. ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू डी. तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी. इसे कहां कर देंगे पुटिंग इन इक्वेशन वन में. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो इसे यहां पर पुट कर देंगे R dot I plus J plus K is equal to A plus B plus C. This is your answer. Please make a note. Now, solution number 9. Find the shortest distance between lines. ये लाइन दी हुई है, इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस हमें बतानी है. तो ए वन इज इक्वल टू क्या होगा सिक्स आई टू जे प्लस टू के और बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस टू जे प्लस टू के. ए टू इज इक्वल टू कितना होगा माइनस फोर आई प्लस जीरो जे माइनस के और बी टू इज इक्वल टू थ्री आई माइनस टू जे माइनस टू के. शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू डिवाइडेड बाई बी वन क्रॉस बी टू का मोड और इस सारे का मोड. तो क्या करेंगे हम पहले ए टू माइनस ए वन क्या होगा ए टू माइनस ए वन दिस माइनस के टेन आई दिस माइनस दिस माइनस टू जे और दिस माइनस थ्री के बी वन क्रॉस बी टू आई जे के वन माइनस टू टू और थ्री माइनस टू आई ये हो जाएगा फोर और माइनस प्लस फोर माइनस जे माइनस टू माइनस सिक्स और प्लस के माइनस टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ये एट आई प्लस एट जे और प्लस फोर के. अब बी वन क्रॉस बी टू का मोड स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू
64 प्लस 64 प्लस 60 ये हो जाएगा 4 1 12 14 इज इक्वल टू 12। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ इनका डॉट तो क्या आ जाएगा, डॉट यहां पर निकालते हैं हम, A2 डॉट माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस और ये हो गया माइनस 12। तो ये हो जाएगा 108 माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 108 अपॉन 12 मींस 108 अपॉन 12 कितना हो जाएगा ये 9। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन एंड सेम एज ये एक्स जेड प्लेन। यहां पर क्या कह रहा है, वाई जेड प्लेन और इसमें कह रहा है एक्स जेड प्लेन। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10, द इक्वेशन of a line which passes through, कौन से पास कर रही है, 516 and 341, तो क्या हो जाएगी, x minus 5 upon 3 minus 5, y minus 1 upon 4 minus 1 और z minus 6 upon 1 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2 और y माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 टेकिंग एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन। लाइन पर हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमने मान लिया लैम्डा पी, तो यहां से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 5। इसी तरीके से वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 और जेड इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। तो पॉइंट क्या हो गए हमारे, पॉइंट हो जाएंगे माइनस 2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। कहां से पास कर रहा है ये, वाई जेड प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो पॉइंट हो गया आपका माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 2, दैट मीन्स 5 बाई 2। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे हमारे, ये वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे, तो पॉइंट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 और दूसरा पॉइंट है 3 into 5 upon 2 plus 1 minus 5 into 5 upon 2 plus 6 कितना हो जाएगा ये 0 17 upon 2 ये हो जाएगा minus के 25 में से हम 12 घटा देंगे तो minus 13 upon 2 That is your answer. Same as, same है question
सो इसको आप खुद करेंगे डीआईपी डू इट्स प्रैक्टिस, इसमें क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन की क्या हो जाएगी y = 0। प्लीज मेक इट अप।